देखो, सबसे पहला मैं आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल नंबर वन, कि बताइएगा आप खुद, इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सी है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच है, क्या नाम होना चाहिए इसका? नंबरिंग किधर से करें, डबल बॉन्ड की तरफ से कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से? ट्रिपल क्यों? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से रूल्स के हिसाब क्या है रूल? पर, मतलब जिसकी ज्यादा बॉन्ड्स रहे, मतलब जिस तरफ से ज्यादा अटैचमेंट्स और बॉन्ड बॉन्ड रहा वो करते। गलत बात। देखिए, डबल बॉन्ड में ई एन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन ई आता है, तो अल्फाबेटिकली यही जीत गया, और बस यही नियम है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को। वन टू थ्री एंड फोर, तो हम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड तो हमारा क्या आ जाएगा? इट ब्यूट आ जाएगा। पहले ब्यूट लिखाएगा इन, इन के आगे क्यों नहीं लिखा नंबर? क्योंकि वन लिखने का कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है? ब्यूट इन, और थ्री पे क्या है? वाइन। ठीक है, वन भी लिख सकते थे, लेकिन वन हम लोग लिखते नहीं है, बाई डिफॉल्ट वन ही होता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ब्यूट वन इन नहीं लिखते हैं, ठीक है? ब्यूट इन थ्री वाइन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपने गलत कर दिया। देखो, एग्जाम्पल नंबर टू, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये है, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेना, ठीक है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रुक जाओ मिटा देता हूँ। और यहाँ पे है सी एच, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एच। बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए? लेफ्ट से करेंगे पहले, क्योंकि ए सिंगल बॉन्ड, ई एन ई पहले ए आता है। वन टू वन थ्री टू थ्री फोर फोर फाइव फाइव, क्या नाम होना चाहिए? पेंट, पेंट पेंटेन एन पेंट टू इन, कहाँ पे है? नहीं टू टू इन, टू हाँ टू इन, और फोर फोर वाइन, वाइन ठीक है? तो इस तरीके से रहेगा, पेंट थ्री इन फोर वाइन। पेन टू इन फोर एन कि गलत हो गया, क्या हो गया गलत? सुनिए क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये कंफ्यूजन, ये जो है ना कि इन जीत गया वाइन हार गया, ये कब होता है? जब पोजीशन दोनों का सेम हो। देखो, इधर से भी नंबरिंग करता तो वन आता, इधर से भी नंबरिंग करते तो वन आता। ऐसे हालात में जब दोनों का प्लेसिंग सेम है, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? कि भैया किधर से नजदीक मिलता है, ठीक है? अगर मैं इधर से करता नंबरिंग, सोचिए, तो हमको तो वन पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता, वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन पे मिल गया। और इधर वन पे कुछ नहीं मिल रहा है ना, इधर से जाने पे वन पे कुछ नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे पहले वन पे मिल गया। तो हमारा नाम क्या होना चाहिए था? हमारा नाम होना चाहिए पेंट, हाँ पेंट, कहाँ पे डबल बॉन्ड है? तो हम बोलेंगे थ्री पे डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे थ्री इन वाइन, वन वाइन नहीं लिखते हम लोग, वन नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो ये होता सही नाम, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे गलत ना कर दें आप, ओके? जब पहले तो देख लो कि नंबर कहाँ पे लोएस्ट नंबर पे मिल रहा है। अगर दोनों चीजें लोएस्ट नंबर पे मिल रही हैं, तब कंपैरिजन वाली बात आएगी कि भाई अल्फाबेटिकली कौन पहले जीतेगा। नाउ थर्ड, थर्ड में हमने ले लिया है सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच, फिर है सी एच, यहाँ पे हमने एक साइक्लिक पार्ट ले लिया, ठीक है? यहाँ पे हम बेंजीन लगा देते हैं, और यहां लगा देता हूं सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे है सी एच टू, यहां पे है सी एच थ्री। बताइए क्या नाम होना चाहिए इसका? फंक्शनल ग्रुप तो एक ही जगह है। अच्छा, आप बताओ, आप बताओ, गलत होगा तो बताएंगे। आखिरी में कार्बोक्सिलिक अलग कीटोन है, कीटोन, कीटोन एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है ना? कीटोन के लिए क्या लगता है? ओ यानी ओन लगता है, ओन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन किधर से लगाना चाहिए? इधर से गिनना चाहिए कि इधर से गिनना चाहिए? राइट से कि लेफ्ट से? किधर से? लेफ्ट सी राइट, राइट। वन टू थ्री, तीसरे पे हाँ मिल जाएगा राइट ना में फंक्शनल ग्रुप, सॉरी हाँ
4, 5, 6 तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास हो गया 6 हो गया ना यहाँ पे, हाँ 6 हो गया, तो हम बोलेंगे हेक्स। हेक्स कहाँ पे इन है, तो हम बोलेंगे 5 इन, हेक्स 5 इन, ठीक है। ई एन ई, ई ना लगा के लास्ट में ओन लगा देते हैं, ओन, ओन कहाँ पे लगे, ओन है तीसरे पोजीशन पे, तो 3 इन 5 इन 3 ओन। अब अटैचमेंट की बारी है कि चौथे पे क्या है, इन, इन पूरा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला। अगर मैं सीधा ई एन ई लिख देता तो कहाँ पे डबल बॉन्ड है आप, फिर तो आप ये नाम अगर मुझे दोगे तो मैं तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दूंगा फिर, है ना। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप उल्टा जा सकते हो। तो क्या आ गया, 5 हेक्स 5 इन 3 ओन, और चौथे पे क्या अटैच है, फिनाइल ग्रुप, तो हम बोलेंगे 4 फिनाइल 4 फिनाइल हेक्स 5 इन 3 ओन। क्लियर हो रहा है चीजें, ये कंफ्यूजन बनी रह जाती है। वो ये वाला मतलब वो 5 इन पूरा क्यों नहीं लिखे, बस उसी पे कंफ्यूजन, ई एन ई क्यों नहीं लिखा, ये बोल रहे हो। हाँ हाँ, अरे तो इसका नियम तो पढ़ाया था ना मैंने कि अल्केन, हाँ, या अल्कीन लगा के लगाते हैं, तो ई को हटा के ओ एन ई लगाते हैं, ओ एन ई कीटोन में, यही तो था। नाउ अगला एग्जांपल नंबर 4, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच यहाँ पे है सी एच थ्री, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ओ एच, बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए। नंबरिंग, पहले नंबरिंग किधर से, राइट से ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है हमको 1 2 3 4 4 है, तो हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट 3 इन, इन हाँ ब्यूट 3 इन 2 ओल, इन 2 ओल, ठीक है 2 ओल। चलिए अगला, अगर मैं यहां पे लिख दूं एग्जांपल नंबर 5 कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, यहाँ पे N है, यहाँ पे है सी एच थ्री, और यहाँ पे भी लगा दूं मैं सी एच टू और यहाँ पे सी एच थ्री, तो बताइए क्या नाम होना चाहिए इसका। पहले याद है आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन है, अमाइन, अमाइन जिधर सबसे ज्यादा बड़ा चेन होता है वो अपना पेरेंट चेन हो जाता है, हो गया। तो हम इसका क्या बोलेंगे, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेनामाइन ऐसे लिखते हैं, प्रोपेनामाइन। अब अटैचमेंट की बारी, एन एन पे दो चीजें लगी हुई है, तो क्या लिखते हो, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, क्लियर है ये चीज, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। आइए अगले ये पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन बना दिया, बेंजीन बनाने के बाद यहां मान लीजिए मैं ले रहा हूँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ले रहा हूँ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लिख देते हैं सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक लगा देता हूँ मैं एन एन टू एच, ठीक है, बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, कहां से नंबरिंग पहले शुरू होगी, पहले तो डबल बॉन्ड को पैरेट प्रायोरिटी देते, डबल बॉन्ड को कैसे मिलेगा, हाई सबसे जो ये वन, हाँ इसको मिलेगा, इसको ग्रुप है, हाँ जो ग्रुप है, वन टू, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6, हाँ अब बताइए क्या नाम होना चाहिए, साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो हेक्सीन, हेक्स टू, हेक्स वन पे है ना इन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी साइक्लिक पार्ट में फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसका स्पेशल नेम रहता है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब अटैचमेंट की बारी, देखिए ये क्या है, अमाइन, ये क्या है, अमाइन, अमाइन नहीं बोलते, अमीनो बोलेंगे, अमीनो,
अमीनो, जब ये अटैच रहता है तो स्पेशल अमीनो। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जो। तो बताइए किसको पहले लिखना चाहिए? हम बोलेंगे थ्री अमीनो और फाइव ऑक्जो कार साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सर अपन को जैसे ये दे दिया थ्री अमीनो फाइव ऑक्जो साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैसे बनाएंगे? मान लो यही नाम दे दिया होता, ठीक है, ये वाला, ये नाम दे दिया होता। आओ यहां से बनाते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ना कि साइक्लो, साइक्लो में क्या है? हेक्स है, तो पहले एक साइक्लिक बना लो, ठीक है। अब क्या बोलता है? हेक्स इन 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 मान लो बोला है, तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना लेते हैं, वहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे हम, ये रहा। फिर क्या बोलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब वन पे ही कार्बोक्सिलिक होगा, तो मान लो यहीं पे बना दो कार्बोक्सिलिक, सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तक तो हो गया। इसकी बात अब अटैचमेंट बोलता है कि मान लीजिए यहां पे हमने लिखा वन, नाउ दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, फाइव, सिक्स। क्या बोलता है? तीसरे पे क्या लगा दो? अमीनो लगा दो, लगा दो अमीनो एन एच टू। ऑक्जो कहां पे? पांचवे पे ऑक्जो चाहिए, ये रहा ऑक्जो, हो गया। यही तो है, ये देखो, घुमा दो इसको थोड़ा सा, इसको घुमा के देख लो, यही है। जरूरी नहीं है कि नीचे में यहां पे कहीं पे होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? हम कहीं से भी करेंगे गिनती, वहीं से शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसको देख के भी बताया जा सकता है, और इसीलिए तो है ये नाम, इतना परफेक्ट नाम रहता है कि आप इसको नाम को देख के कंपाउंड को बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। अब मैं आपको कुछ बढ़िया सवाल कराता हूँ, ठीक है, जो जो पूछे हुए सवाल है। जैसे मैं यहाँ पे एक ले लू, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन बोलता है कि द कंपाउंड हैविंग, द कंपाउंड हैविंग only primary hydrogen, primary hydrogen, primary hydrogen atom, atoms age option है, option है कि iso butane, b में है के 2,3 डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल 1-ब्यूटीन, सी है साइक्लो हेक्सेन, और डी है प्रोपीन, ठीक है। ये पूछा गया है एम्स 2004 में, बताइए क्या बोलता है? कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, क्या मतलब होता है इसका प्राइमरी हाइड्रोजन एटम? कोई आइडिया? नहीं सर। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है कि केवल उसमें क्या होना चाहिए? प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है पहले तो यही नहीं पता होगा ना। हाँ देख, प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो कि यहाँ पे कहीं मतलब कोई ऐसा कार्बन हो जहां पे कोई हाइड्रोजन हो ही ना, कोई हाइड्रोजन नहीं हो, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी मतलब वन हो गया, वन हाइड्रोजन आइटम, क्या बोलते हैं? वन हाइड्रोजन आइटम। तो सर ए हो जाएगा आइसोब्यूटेन, कैसे? आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता है आपको? आइसो कभी भी ऐसे लिखाता है CH3 और CH3 आइसो, ब्यूटेन है ना, तो ब्यूट कैसे बनेगा बेटा? ब्यूट बनाने के लिए चार चाहिए, एक मान लो ये हो गया, एक दो तीन और चार, बराबर है? नहीं नहीं नहीं, ब्यूट ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, आइसो वगैरह जब लिखते हैं कॉमन नेम, तो सबको गिन लेते हैं, एक दो तीन चार, इसकी जरूरत, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या बोलता है? ब्यूट एन एन है ना, तो पहले हाइड्रोजन देखो कहाँ पे है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना है CH, सही है CH2 की CH3 CH3। अब बताइए इसमें तो एक हाइड्रोजन वाला कार्बन है, अब दूसरे की बारी है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन,
तो ब्यूट इन मतलब चार कार्बन बनाओ, एक दो तीन चार, वन पे इन है तो यहाँ डबल लगा दो, बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, और क्या बोलता है टू पे है थ्री पे। हाँ मिथाइल, दो मिथाइल, तो यहाँ पे एक टू पे और यहाँ पे थ्री पे क्या लगा देना है, मिथाइल सी ठीक एच थ्री और सी एच थ्री। ठीक है चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पे एच थ्री, यहाँ पे कितना हो गया एक सिंगल एच, यहाँ पे क्या हो गया दो तीन चार, और यहाँ पे है सी एच थ्री सी एच टू। बताइए बोलिए। इसमें भी एक है का हाइड्रोजन, कौन सा, नहीं सेकंड वाला तो अटैच है ऊपर CH3 से, सी एच थ्री से अटैच है, नहीं ये नहीं नहीं बात होता। बनेगी है ना। सी साइक्लो, साइक्लो साइक्लो ये रहा साइक्लो हेक्स एन, मतलब सिंपल है ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर इसमें डबल निकले रहते कि ये देखो लाइन, ना कार्बन है, कार्बन से चार लाइन निकलना चाहिए ना, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया, दो इधर निकलेगा, हर जगह यही काम चलेगा, इसमें भी नहीं पॉसिबल है, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत चौथा सारे प्रॉप इन, तीन, एक प्रॉप है तो तीन, एक दो तीन तो तीन ठीक है। अब लगा दीजिए सी एच थ्री, दो हो गया तीन हो गया सी एच, और यहाँ पे हो गया सी एच टू, ऐसा चलेगा सही है। तो क्या हो गया, हाँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि कि प्राइमरी यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन पे इस पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तो हम लोग गिनते नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, नहीं होगा ये भी हमारा नहीं हुआ। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वाला पार्ट था और उसके बाद एक जगह यहाँ पे था, यहाँ से अटैचमेंट हमारे पास दो दो है, या आइसो वाला पार्ट हो गया, ये भी नहीं चलेगा। तो इट शुड बी लाइक एक दो तीन चार बराबर है ऐसा ठीक है, इट शुड बी ए ठीक है, क्या हो गया ए। अब आपको लग रहा है कि थ्योरी इसका एक बार हमको पढ़ना चाहिए कि सर ये प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, तो एक बार थ्योरी जरूर पढ़िए हाँ प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है ठीक है। वहां पे हमने खूब अच्छे से बताया है, देखो पेज पलटाओ, पेज पलटाइए और देखिए अभी। प्राइमरी है एल ग्रुप्स के पहले, हाँ स्टार्टिंग में पढ़ाया था, हाँ 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, हाँ क्या मतलब होता है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू 1 कार्बन एटम ओनली, क्या बोला है कि कार्बन एटम जो कि खाली एक ही कार्बन से क्या हो। बॉन्ड समझ के। ठीक है।